इंशाल्लाह जैसी भी गाड़ी हो, लगी भी हो, गली भी हो, सड़ी भी हो, इंशाल्लाह जैसी भी गाड़ी हो, खत्म गाड़ी हो इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गए यहाँ पर तो जाती है गाड़ी। आप देखें खड़ी हुई यहाँ पर गाड़ियाँ, गली भी है, लगी भी है, सट पर सब डालते हैं इंशाल्लाह। हम लोग ना एक्सीडेंट गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हो भाई, इनके पास जो है ना वो जापानी गाड़ियाँ भी आती हैं शोरूम वाले जो। ऐसा भर देंगे कि गाड़ी भारी, चादर भारी। उसके बाद उसको डिजाइन भी नहीं करनी है, बस भर के पेंट करना है, और गाड़ी जब चले रोड पे तो गोल मटो। भाई ये जो फर्श है ना, ये इस एफएक्स का है, ये नया लगेगा, सही है ये नया। तो भाई आप लोग अगर देखना चाहें तो ये है आसिफ भाई का काम, ठीक है भाई। ये है गाड़ी कटी हुई सिर्फ डॉल्फिन, ये पिछला कट डाला गया है इसका, ये पिछला कट डाला गया है। पूरी इस तरफ से गाड़ी जो थी वो मेजर थी, देख रहे हैं ये दूसरी गाड़ी करें, आगे करें ये है भाई कुछ गाड़ी। फाइनल जो है ना वो फिनिशिंग वाला काम हो रहा है, और फिनिशिंग वाला काम से मतलब ये हल्की बुल्की जो लहर, जो लहरें वगैरह है ना वो भाई दूर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दिनों से हम गायब थे, तो जिसकी वजह कुछ यूँ थी कि थोड़ा ज़रा बिजी वगैरह चल रहे थे। खैर आज हमारे बिलाल भाई हमारे पास आए हैं कि यार माधव भाई एक जगह चलते हैं यार, मेरा खैरियत भाई। सीन कुछ यूँ हुआ इनकी गाड़ी के साथ कि इनकी गाड़ी ने भी किसी बाइक वाले जनाब ने हिट कर दी है, सही है, और हिट ऐसे करिए कि पैसेंजर साइड जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये वाला गिलास पूरा चिकना चूर, ये साइड मिरर सब टूट गया है, फ्रंट बम्पर वगैरह भी ख़राब हुआ है थोड़ा। अब ये नुकसान तो हो गया है, तो अब ये काम कराना भी ज़रूरी है। आज मैं कहाँ से काम कराने वाला हूँ और क्या काम कराऊँगा तो ये वहीं चल के आपको दिखाऊँगा, सही है। और डिस्क्रिप्शन में आसिफ भाई का तो नंबर भी होगा। आसिफ भाई बेसिकली हमारे डेंटर हैं जो कि बहुत अच्छा और बहुत रिलायबल काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी में पेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी ना तो वो डेंटिंग ही ऐसी करेंगे कि ना आप खुद बोलोगे कि भाई मेरा ये काम आसान हो गया। बाकी रही बात बाइकों वालों की, तो यार तो भाई थोड़ा ज़रा ध्यान से संभल के चलाएं यार, क्योंकि मैं खुद बाइक चलाता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस खैर बहरहाल ये होने वाली चीज़ थी तो हो गई। एहसास ज़रूरी है अगले के तरफ, बिल्कुल बिल्कुल एहसास ज़रूरी है, क्योंकि भाई महंगी चीज़ें और सस्ते में तो बनती नहीं है। मेरे ख्याल में उस तरफ नहीं होता तो भाई अब चलो वहाँ चलते हैं, और फिर आप ये फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंडीशन क्या है गाड़ी और कितना सदमा और बाकी है अभी तक, ठीक है। फिलहाल तो दिखने में तीन चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ तीन चीज़ें नहीं है ये कि यार उनके पास जा रहे हैं कि हो सकता है हमें पेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़े, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, बाकी बातें फिर वहाँ चल के करते हैं। अच्छा तो गाइस मैं आप लोगों को अब थोड़ा ज़रा ना रास्ता समझा दूँ आसिफ भाई के शॉप का। तो इस वक्त हम मेन 380 पर मौजूद हैं, और ये रूट सीधा हमें गार्डन लेके जाएगा, ठीक है। गार्डन से हमें वापसी यू टर्न लेकर आना है, और वापसी आते हुए समझो राइट साइड पे आपके हेस्कॉल का पंप होगा और लेफ्ट साइड पे आपके आसिफ भाई की शॉप होगी, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, नीचे तो डिस्क्रिप्शन में आसिफ भाई का नंबर भी मौजूद है, अगर आप लोगों को रास्ता समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग उनसे कॉल करके रास्ता समझ भी सकते हो, ठीक है भाई। सो फाइनली गाइस हमने यू टर्न ले लिया है, और अब आने वाली है आसिफ भाई की शॉप, सही है। अब हेस्कॉल का हमारे राइट साइड पे आएगा, और ये आसिफ भाई की शॉप है, ये इनकी शॉप है भाई, ठीक है भाइयों। अच्छा तो फाइनली गाइस मैं अपना आप लोगों को दिखाने लगा हूँ गाड़ी की कुछ कंडीशन, और गाड़ी अभी फिलहाल इस कंडीशन में है, ये डेंट है, ठीक है, और यहाँ से बम्पर निकला हुआ है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो हल्का सा फेंडर अटकता है, ठीक है, और ये लॉक अंदर से खुल रहा है बाहर से नहीं खुल रहा, बेसिकली शायद जब वो हिट हुआ है ना तो उसकी वजह से लॉक की जगह दब गई है। और जहाँ तक बात रही अंदर की, तो अंदर पूरी गाड़ी अभी फिलहाल कांच कांच हो रही है, ठीक है। मैं खुद बहुत एहतियात से ध्यान से बैठ कर आया हूँ, बिलाल ने रात में गाड़ी जितना हो सकता था उतनी साफ़ कर ली है, लेकिन अब जब गाड़ी प्रॉपर ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसकी इंटरक्लीनिंग वगैरह या फिर जो कुछ भी होगा वो फिर इंशाल्लाह उसके बाद ही साफ़ होगी, अभी तो फिलहाल गाड़ी ठीक हो जाए।
अच्छा तो गाइस मैं एक चीज़ आप लोगों से और शेयर करूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इतनी देर से गाड़ी की डेंटिंग कर रहे हैं तो बॉडी पे निशान क्यों नहीं पड़ रहा। बेसिकली इसके आगे ये लगा हुआ है टेप, तो जिसकी वजह से बॉडी पे निशान नहीं पड़ रहा। सो गाइस जब तक हमारी गाड़ी की बाहर डेंटिंग हो रही है तब तक मैं आपको इनकी वर्कशॉप दिखाऊं। इनके वर्कशॉप में ये एफएक्स खड़ी हुई है। ये बेसिकली बता रहे थे कि भाई ये इतनी बुरी हालत में आई है, मतलब इसमें अस्तर लगा हुआ है, बस सिर्फ खाली कलर करना बाकी था और पूरी गाड़ी पॉलीगेट से भरी पड़ी हुई है। इवन के छेद भी हो गए हैं इसके अंदर। तो भाई ये हालत होती है रोड साइड वाले काम की कि मतलब बॉडी सीधी नहीं करेंगे, पॉलीगेट से क्या कहते हैं बॉडी को शेप देकर सीधा कलर। भाई पॉलीगेट यूज़ होता है लेकिन मतलब जगह को लेवल करने के लिए थोड़ा बहुत होता है यूज़, और उसकी भी मंजाई होती है। तो आम जो काम थोड़ा ये काम बचाने वाले लोग होते हैं वो करते नहीं है इसको तो लेवल, और सीधा कलर करा चल भाई गाड़ी ले जाओ। तो भाई ये वाला काम। तो भाई ये है हमारे आसिफ भाई, सही है, और इनका नंबर जो है वो नीचे तो डिस्क्रिप्शन में भी होगा। बाकी आसिफ भाई आप बताएं कि यार किस किस हवाले से बंदा आपके पास आ सकता है। हम तो आए, खैर हमारी तो बात अलग है, हमारे घर की सारी गाड़ियाँ अल्लाह ना करे कुछ भी होता है दोस्तों की, सब ये सब आपके पास आती हैं। तो हमारे जो यूट्यूब वाले दोस्त हैं इनको अगर ये आपको बताना चाहें तो डेंटिंग का काम क्या। हाँ इंशाल्लाह जैसी भी गाड़ी हो, लगी भी हो, गली भी हो, सड़ी भी हो, इंशाल्लाह जैसी भी गाड़ी हो, खत्म गाड़ी हो, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गए यहाँ पर जाती है गाड़ी। आप देखें खड़ी हुई यहाँ पर गाड़ियाँ, गली भी है, लगी भी है, सच पर सब डालते हैं इंशाल्लाह। हम लोग एक्सीडेंट गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हो भाई, इनके पास जो है ना वो जापानी गाड़ियाँ भी आती हैं, शोरूम वाले जो होते हैं ना इनका काम बेसिकली उनका है, सही है। ज़्यादातर जापानी आती हैं, और जापानी गाड़ी तो यार कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ग्रेड में इंपोर्ट होती है और 4.5 ऑक्शन की ऑक्शन शीट पे तस्वीरें हैं गाड़ियों की, तस्वीरें हैं गाड़ी मोबाइल में बस भाई। और क्या चाहिए भाई, जैसी भी गाड़ी हो ना, कितने लोग मुझसे पूछते थे, ये उन लोगों के लिए जवाब है कि भाई मेरी खैबर गल गई है, मेरी ऑल्टो है, मेरी करोला तो लग गई है, सही है, मैंने विट्स मंगाई थी उसका फेंडर ख़राब है, कुछ भी है, पार्ट्स भी मिलेगा, सामान भी ले गया, और कलर वगैरह जो कुछ होगा ना ये तो वे टू जेड वो इस छत के नीचे होगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो कोई दूर नहीं है, कराची वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल जगह है, क्योंकि भाई शोरूम वाले सब इन्हीं से काम कराते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेफिक्र होकर आना है, क्योंकि आपका भाई खुद अपनी सारी गाड़ियों का काम इनसे कराता है। और अभी जहाँ तक बात रही खैबर की, तो इंशाल्लाह उसका भी पेंटिंग का है सीन, सही है, अभी नहीं है कुछ टाइम में है, वो भी आसिफ भाई की तरफ पे। आसिफ भाई सही है भाई, बाकी ये एफ एक्स खड़ी हुई दिखाता हूँ, और फिलहाल ये ऑल्टो खड़ी हुई है, बाकी तो सारी गाड़ियाँ तो उस तरफ खड़ी वर्कशॉप पे, कुछ पेंट पे गई हुई है, सही है। ये गाड़ी देखो और फिर अंदाज़ा करो कि ये किस कंडीशन में गाड़ी बन रही है। तो फाइनली गाइस गाड़ी का डेंटिंग का प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, और अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूं तो थोड़ी सी गाड़ी में मिट्टी के निशानात वगैरह हैं, वो प्रॉपर सर्विस होगी तभी सही से मालूम चलेगा। और इस वक्त गाड़ी की जो कंडीशन अभी फ़िलहाल जो है वो अभी तक मतलब सिर्फ खाली डेंटिंग का काम हुआ है, अभी साइड मिरर, गिलास, ये पैसेंजर साइड वाला गिलास, बम्पर वगैरह, ये सारे काम बाकी है, तो इंशाल्लाह वो काम कराने चलते हैं। हाँ तो भाइयों डेंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर के गिलास लगवाने के लिए और साइड मिरर वगैरह के काम के लिए। ये चीज़ मैंने फ़िट क्यों नहीं करवाई, असल में ये डोर गार्ड इसलिए फ़िट नहीं करवाया क्योंकि जो शीशा वगैरह तो लगेगा उसके लिए वापसी खुलता, तो इसलिए मैंने आसिफ भाई को बोला अभी छोड़ दें, ठीक है। ये देखें फ़िलहाल ये गाड़ी की कुछ कंडीशन है, शीशा वीशा सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, खैर अंदर तक पूरी गाड़ी में उड़ कर आया हुआ है, खैर अब वहाँ चलते हैं, और ना ये जो एक दो काम रह गए वो करा कर इंशाल्लाह फिर ये बिलाल इसकी सर्विस वगैरह कराएगा, और हो सका तो इंशाल्लाह ज़्यादा लेट नहीं हुआ ना तो फिर मैं आपको सर्विस के बाद की भी कंडीशन दिखाऊंगा गाड़ी की। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है ना तो ये सर्विस वगैरह जो है वो आज नहीं, वो इंशाल्लाह कल पर ही जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, मगरब का वक्त हो ही रहा है अभी। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये हमारी गाड़ी का साइड मिरर जो है वो हमारे हाथ में है। बेसिकली ये साइड मिरर बच तो गया था लेकिन इसके दो तीन पुर्जे पता नहीं क्या कहलाते हैं वो, सही है, तो वो ख़राब हो गए थे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 250 और 400 ये दो पार्ट ख़राब हुए थे, कितने कितने के आए। और ये हमारी गाड़ी का साइड गिलास है, ये हमने प्लाजा से लिया है अभी, और अभी गाड़ी की फ़िटिंग शुरू हो गई है। सो गाइस जब तक ये काम हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को फ्रंट बम्पर की और ना शील्ड्स वगैरह की जो अपडेट है वो दे दूँ, फ्रंट बम्पर और उसकी शीट वगैरह जो है वो क्या कहते हैं इंशाल्लाह कल होगा, क्योंकि स्पेसर लेना था जो बम्पर के कोने पे लगता है वो ले नहीं सके, तो वो इंशाल्लाह कल होगा। सो फाइनली भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है, डेंटिंग का काम भी हो गया है,
और साइड मिरर हो गया, डोर के अंदर का गिलास हो गया, ये तीनों काम अलहमदुलिल्लाह हो चुके हैं। बाकी छोटा सा काम रह गया बम्पर वगैरह का, शीट वगैरह का और गाड़ी सर्विस होने का। तो अभी तो हम यहाँ से चलते हैं, अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की और बाकी जो काम रह गया वो इंशाल्लाह कल होगा। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो चुकी है। हाँ बिलाल भाई, खुशी ब्रो, ये स्माइल फाइनली जिंदगी थोड़ी सकून में। एक 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 है अभी मसला, आगे का बिम्पर का स्पेसर बाकी है, वो इंशाल्लाह कल ही होगा क्योंकि रात हो चुकी है। और दूसरा ये कि ये शीशा और वो शीशा ना काला है, ये खुला डुला है ब्रो, इसको कल टेंट करवाना है। तो ठीक है भाइयों, ये बस थोड़ा सारा टिंट का काम रह गया, बाकी गाड़ी जो अब जो गंदी हो रही है बस वो साफ़ होना रह गई और बम्पर का स्पेसर रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं पैसों की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब लोगों में क्या कितने का काम हुआ क्या हुआ। तो भाई टेंटर को जो बिलाल भाई ने दिए हैं, बिलाल भाई कितने दिए आपने टेंटर को? 3,000 रुपये। भाई डेंटिंग आप लोगों ने देखी है, सही है, हम लोगों ने उस काम के दिए हैं 3,000 रुपये। बाकी छोटा मोटा खर्चा जैसे कि तकरीबन 3,000 या शीशा है 2,000 रुपये का, शीशा 2,000 रुपये का है। और ठीक है, मिरर के नीचे जो एल होता है जिसको ये देसी जबान में कान बोलते हैं वो अराउंड 250 का है। साइड मिरर के पीछे वाला कवर है वो भी एक्सीडेंट में उड़ गया था तो वो भी मिला है 400 रुपये का। इसके अलावा बम्पर का स्पेसर अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन अगर लूँगा मतलब कल लूँगा इंशाल्लाह, उसकी कॉस्ट होगी हार्डली 350-350 रुपये की। अच्छा, इसके अलावा लेबर की अगर बात करें, इसकी फिटिंग वगैरह की, तो ये बंदे को दिए गए हैं 500 रुपये शीशा लगाने वाले को और ये सब जो कवर वगैरह इस चीज़ें लगाने वाले को, कल बम्पर वाले को एक्स्ट्रा। टोटल तकरीबन टोटल अराउंड 3,000-2,000-5,000 रुपये हो गए, 5,000-6,000 रुपये तकरीबन, 6,500-6,800 बस। अगर आप सूखा सूखा लगाओगे ना तो 6,800 रुपये, वरना तो ये साइड मेरा जिस कंडीशन में था, सही है, तो कोई और बंदा होता ना। साइड मिरर छोड़ो, गाड़ी जिस कंडीशन में थी ना, ऐसा लग रहा था कि वॉलेट से 15,000-17,000 रुपये बेटा साइड पे कर दो, ये तो गया आपके बाइक वाला लेके चले गए, जितने की उसकी आधी बाइक नहीं थी इतने तो पैसे लगने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है भाइयों, तो अगर आप किसी भाई के साथ भी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा सिलसिला होता है ना, तो थोड़ा ज़रा अपने माइंड से खुद सोचा करें कि यार मुझे एक चीज़ को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वो चीज़ चेंज क्यों कराऊं। पैसे बचाने के लिए पैसा प्रायोरिटी थी और दूसरी प्रायोरिटी थी क्वालिटी काम की, क्योंकि जिस टेंटर से हमने काम करवाया वो टेंटर वो है 2016 से हमारी सारी गाड़ियाँ उसके पास जाती हैं, मेरे घर की, इसके घर की, हमारे दोस्तों की, इतना भरोसा है उस बंदे पे, वो बंदा निशान नहीं आ रहे थे काम पे, तो ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। डेंट कोई भी निकाल सकता है हथौड़ियों के निशान मार के, बिल्कुल ऐसा ही है। सुपर डेंट जो डेंट कहते हैं ना उस पे हर बंदा ये कहता है कि भाई आपको निशान मिलेंगे, हथौड़ी के निशान आने हैं, तो उससे बचाने के लिए वो बंदा हमारा मेन है। ठीक है, उसके वीडियो बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है, और उसने 3,000 रुपये ले लिया जायज, लिटरली जायज, वरना ये दरवाज़ा ऐसा अंदर था कि शीशे जिस चैनल पे चलता है ना, तो शीशा बेसिकली उस वक्त बंद था, तो चैनल ऊपर है और जितनी खाली स्पेस थी बीच में दरवाज़ा पूरा अंदर था। तो उसने लिटरली हथौड़ा भी यूज़ किया है गाड़ी में, लेकिन वो आप लोगों ने देखा है कि हथौड़े पे उसने क्या लगा के यूज़ करा है, टेप लगाया हुआ है, अंदर रबड़ का पीस भी लगा हुआ था, रबड़ देन टेपिंग की हुई है उसने, ताकि निशान, ताकि चादर से जब हथौड़ा लगे ना तो वो अपना निशान ना छोड़े। तो ठीक है भाई, ये होता है समझदार लोगों के काम करने का तरीका। असल में थोड़ा बहुत जो होता है ना वो इंसान का तजुर्बा भी तो मैटर करता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, 6,000-7,000 का मकसद ही यही है तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे व्यूअर्स को चूना ना लगे, बिल्कुल। तो भाई ठीक है भाई, आज की वीडियो हम अपनी यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का लिंक है इंस्टा पर फॉलो करें, और अगर कोई भाई ऐसा है जिसको काम का तजुर्बा नहीं है लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, करवाऊंगा मैं खुद, उसको ये वीडियो दिखाएं और उसको समझाएं कि पैसे कैसे बचा सकते हैं और क्वालिटी का काम कैसे करवा सकते हैं, तो आप लोग बताएं कि भाई क्या रिपोर्ट है। ठीक है मेरे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।